और पढ़ाता देखो मूवमेंट आज देखो तुम्हें हम यहाँ से शुरू करेंगे। काशीराम साहब की जयंती बताओ कब होती है, जन्म तिथि आप बताओ बताओ। 14 फरवरी। हाँ बहुत बढ़िया, आप बताओ आप बताओ हैं। 15 फरवरी बताओ, तुम तीनों बताओ, तुम तीनों बताओ, तुम तीनों बताओ, तुम चारों बताओ, तुम बताओ। ये पूरा गुच्छा, एक मिनट, ये वाला गुच्छा बताओ, तुम दोनों बताओगे, हाथ खड़े करो बताओगे तो। तुम बताओ भाई इधर वाले। 15 फरवरी बहुत अच्छा, सर पर प्राइज लाओ, नोबेल प्राइज जिनको दो। हाँ 15 मार्च 1934 सही बता रहे हैं, सौ चल के चल ठीक, सही बता रहे हैं। हाँ 1934 ही इन्होंने महापुरुषों का मैं भी नहीं पढ़ा और ना इन्हें पढ़ाया जाता और ये खुश हैं, जय भीम के नारे लगाते हैं और घर में जाकर सो जाते हैं और सोचते हैं बस मूवमेंट खड़ी होगी अब हमारा राजा होगा। साहब इसलिए कामयाब हुए कि उन्होंने जो दिन रात जाग जाग के अपने लोगों को कैडर दिया उस कैडर से समर्पित कार्यकर्ता तैयार हुआ और अकेले साहब नहीं वो लाखों कार्यकर्ता जमीन में उतरे, उन्होंने जाके गांव देहात में जाके इतने लोग ऐसे ऐसे लोग तैयार किया, फिर ये लोग उतरे, चैन बनी, समाज तैयार हुआ, समाज ने वोट देके साहब को ताकतवर बनाया। आज कड़वी बात है लेकिन सच है, आज मेरे पास उनके मुकाबले की फोर्स है लेकिन वो कैटराइज नहीं है। जिस दिन वो कैटराइज हो जाएगी ना फिर पता है क्या करूँगा मैं, फिर मैं धक्के नहीं खाते फिरूँगा। याद है वो दिन बाबा साहब की घटना जब याद लिखी जाती है उसमें कहा जाता है कि भाई विदेश से एक डेलीगेशन आया पत्रकारों का और वो रात को घूमता फिर रहा, गांधी जी के पास गया गांधी जी सोए हुए थे, नेहरू जी के पास नेहरू सोए थे, बाबा साहब के पास गया तो बाबा साहब पढ़ाई में लगे हुए थे, तो बाबा साहब सोचा कि उनका पीए आ गया वो नानक चंद्र, उनका भाई एक चाय पिलवा दे यार, तो वो हिले नहीं, बाबा साहब ने कहा कि ये तो आज मेरी बात नहीं मान रहा, उठा के देखा तो वो दूसरे लोग थे वो पत्रकार डेलीगेशन, तो उन्होंने कहा कि बाबा साहब देखो आप इतने बड़े नेता हो, हम गांधी जी के पास भी गए नेहरू के, वो तो सो रहे हैं। बाबा साहब ने कहा मेरा समाज सो रहा है इसलिए मैं जाग रहा हूँ, उनका समाज जाग रहा है, हमारी बस्ती में 6 बजे के बाद जाकर देखो 4 शराब पीए हुए लोग आ जाएंगे आपको 4 गाली दे देंगे वहाँ, तो हम तो अपना घर भी नहीं सुधार पा रहे समाज कैसे सुधारेंगे भाई, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ ये लोग तैयार हो जाएं। अच्छा देखो एक गजब की बात, अखबार उठाओगे टीवी में तो नहीं आती, यूट्यूब पे देखोगे रोज रेप हत्या होते हैं, वो कौन है भाई वो बड़े लड़के जिनके रेप हत्या होते हैं, वो तो बहुजन समाज की बेटी है, यानी कि वो हमारे समाज की बेटी है, जब मैं आपके समाज का हूँ और वो भी हमारे समाज की तो वो हमारे परिवार की हुई, तो भाई जिनकी बहनों का रोज रेप हत्या होती है घर जाए तो उनको तकलीफ क्यों नहीं होती भाई, क्योंकि उनका जमीन जिनका जमीन मरा हुआ होता है उनको समाज की तकलीफों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये बैठे क्यों हैं यहाँ सन्नी में सुनो, इनको मेरे साथ सिर्फ फोटो करवाना है, देखो इनका सपना क्या है, फोटो करवाएंगे सोशल मीडिया पर डालेंगे भाई, एक सवाल है। इनको 2-4 वो मिल जाएंगे लाइक कमेंट, ये खुश हो जाएंगे, इतना इनका सपना है। जैसे हर व्यक्ति का होता है ना कि मुझे 10वीं करनी है 12वीं करनी है मुझे ग्रेजुएशन करनी है पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई LLB करना चाहता है, कोई जो है PhD करना चाहता है, इनके सपने हैं फोटो खिंचवाना बस, इस फोटो के लिए मेरी गाड़ी के पीछे भागते हैं, मतलब ये गिर जाए मोटरसाइकिल से मैं डरता रहता हूँ किसी को चोट ना लग जाए, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता बस इन्हें फ़ोटो कराना। और फिर देखो कितने अच्छे हैं ये, यहाँ के जाने के बाद इनमें से सब तो नहीं लेकिन 10% लोग ऐसे होंगे जो जाकर शराब पियेंगे और शराब पी घर में जाकर पड़ेंगे और ये समाज बताओ कैसे बदल जाएगा, नहीं बदल सकता तो नहीं बदलेगा, हम लोग मेहनत करेंगे सर इसके लिए बस कैडर की बहुत ज़्यादा तो इसलिए मैंने पहला कैडर कैंप जब कराया उसके बाद हमारे लोग कैडर कैंप के लिए निकल गए करने लगे हैं, और मैं जब कल यहाँ आया था मैं तब से नहीं कह रहा हूँ कि भाई कैडर कैंप शुरू करो, कैडर कैंप शुरू करो रैली, मैं खुद नहीं जाता 2022 में जो मैंने अपमान सहा ना तो मैं उससे घर नहीं बैठा डर के, मैं खुद कहता हूँ कि मैं वो व्यक्ति हूँ उसकी जमानत जब्त व्यक्ति हूँ, लेकिन मुझे इस बात का कोई वो नहीं है, मैं तो पहला चुनाव लड़ा तो मेरी जमानत जब्त होगी, अब मैंने इससे सीख ले ली कि अब मुझे काम क्या करना है, अब मैं हवा हवाई बातें नहीं करता, अब मैं जाता हूँ कैडर कैंप कराता हूँ फिर वापस आता हूँ।